क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, अगर आपके पास जियो 4G का सिम कार्ड है तो आप अपने सिम कार्ड के अंदर 5G इंटरनेट स्पीड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का, तो वहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले 5G 4G 3G 2G वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में 4G 3G 2G का ऑप्शन आ रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका डिफ़ॉल्ट APN होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो आपको यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक न्यू APN को क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, मैंने APN को यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ आपको इसका सेटिंग्स दिखाना है। तो मैं यहाँ पर APN का आई बटन दबा के सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो नेम वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है जियो ट्रू 5G। आपको यहाँ पर ध्यान देना है जियो का जे कैपिटल, ट्रू का टी कैपिटल एंड 5G का जी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन आपको जो APN वाला ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आपको लिखना है जियो 5G बीटा। उसके बाद से नीचे आएंगे, प्रॉक्सी को नोट सेट, पोर्ट में आपको टाइप करना है 8080। देन आपको यूजर नेम का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको लिखना है @JioTrue5G। उसके बाद से नीचे आएंगे, पासवर्ड को नोट सेट छोड़ देना है, सर्वर में आपको टाइप करना है www.jio.com। देन और नीचे आएंगे, MMSC को नोट सेट छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट छोड़ देना है, MMS पोर्ट में आपको टाइप कर लेना है 80। देन MCC एंड MNC में आपको वैल्यू जो भी सेट होगी वही रहने देना, आप उससे छेड़खानी मत करना। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा PP और CHAP, PAP और CHAP का, तो इसको क्लिक करके इनेबल करना है। देन आपको एक APN टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट एंड कॉमा लगा के SUPL कॉमा लगा के आपको 1 CAP 3 APN टाइप को लिख लेंगे। देन APN प्रोटोकॉल का जो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको सेम सेलेक्ट करना है। देन आपको बीरर का जो ऑप्शन मिलेगा, तो बीरर का ऑप्शन में आपको सिर्फ LTE को सिलेक्ट करना है। नीचे आएंगे तो NR का बीरर मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है। देन बैक आएंगे, बैक आने के बाद इम्यूनो टाइप को आपको यहाँ पर नन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से इस APN को सेव कर लेना है। दोस्तों, APN सेव करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सो यहाँ पर एक बार आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग इसका स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए अपना स्पीड टेस्ट का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार गो के बटन पर क्लिक करता हूँ। सो आप यहाँ पर देख लीजिए जो मेरी डाउनलोड स्पीड आ रही है, आप देख सकते हैं 41-42 MBPS तक की दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आ रही है। एंड यहाँ पर आप मेरी पिंग देख सकते हैं, 39 MS का पिंग आ चुका है। एंड APN को जस्ट अभी सेट किया है, फ़ोन को रिस्टार्ट भी नहीं किया है। सो फ़ोन को अगर आप रिस्टार्ट करते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने डायलर वाले ऑप्शन में आना है। एंड डायलर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डायल करना है *#*#। देन आपको यहाँ पर डायल करना है 4636#*#*#। जैसे आप डायल करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है करंट नेटवर्क दिखाई देगा। एंड और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा NR LTE GSM WCDMA, तो आपको यहाँ से छेड़खानी नहीं करना है, इसको सिलेक्ट रहने देना। देन आपको अगर आपके फ़ोन में मोबाइल रेडियो पावर इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रन पिंग टेस्ट, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका पास 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 लिख कर आता है तीनों, सो समझ जाइए आपका इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।